गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जिस कनेक्शन में अपनी यूनिट सेकंड चल रही है, जिसमें मैंने आपको रीजियो सेलेक्टिविटी के बारे में पढ़ाया था, आज अपन इसमें टॉपिक देखेंगे एक एल्कीन सिंथेसिस। एल्कीन सिंथेसिस, तो देखो वैसे तो इसमें भी अपन को डिसकनेक्शन ही करके मॉलिक्यूल का कि वो एल्कीन से बने होंगे ये करना है, लेकिन उससे पहले ताकि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, मैं आपको मेथड्स बताती हूँ जिससे अपन एल्कीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड तो आपको पता होगा कि जो एल्कोहल है उसकी डिहाइड्रेशन से, डिहाइड्रेशन मतलब उसमें से जब वाटर का रिमूवल होगा तब भी एल्कीन का सिंथेसिस होता है। जैसे मान लो ये एल्कोहल, ठीक है, अब मैं इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करा दूँ या P2O5 के साथ करा दूँ, तो ये सब डिहाइड्रेटिंग है, H2O निकालते हैं, और H2O अगर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और इस तरीके से क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, H2O निकल जाएगा, ठीक है। बात आप ये कह सकते हो सबसे पहले H यहाँ पे प्लस करेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, और फिर पास में से जो H है वो इस तरीके से इसमें डबल कर देगा। इसी तरीके से P2O5 भी डिहाइड्रेशन कराता है और एल्कीन बनाता है, ठीक है। एक तो ये डिहाइड्रेशन से एल्कीन का सिंथेसिस हो सकता है, मतलब एल्कोहल से एल्कीन का सिंथेसिस हो सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी कोई एल्कीन आपको दिया जाए तो आपको अगर जैसे मान लो मैं यहाँ से कोई रिएक्शन चालू करा रही हूँ और आपको इसका डिसकनेक्शन करना है, तो आपको इसको पीछे कहाँ पे ले जा सकते हो, आप इससे एल्कोहल बना सकते हो। समझ में आ रही बात, ये ध्यान रखना है कि एल्कोहल से एल्कीन बन सकता है। दूसरा, एल्कीन आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है उसमें भी एल्कीन बनता है, एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीवियस में आपने पढ़ी है, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जैसे मान लो पहले मैं बता रही हूँ इवन एलिमिनेशन, ठीक है, CH3 CH2 Br, एल्काइल हैलाइड्स में होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, इवन में इंटरमीडिएट बनता है, ये Br निकल जाता है, Br माइनस, और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 प्लस, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे बेस के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो बेस जो है ये बीटा हाइड्रोजन, अल्फा बीटा, बीटा इसमें से निकाल के और यहाँ पे एल्कीन बना के, और जिसमें आपको पता है इवन में आपको पता होगा जैसे CH3 CH2 है और ये Br है, ठीक है, इसको ना करा के मान लो मैं ये एक रिएक्शन कराऊँ, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराते हो तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कार्बोकेटाइन पे बनेगा, Br निकलेगा तब, तो कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, CH3 CH प्लस CH2 CH3, यही बनेगा कार्बोकेटाइन। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको ये भी बता सकूँ कि डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ आएगी अगर अनसिमेट्रिकल है, जैसे यहाँ पे देखो इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, ठीक है। तो अब इस तरीके में क्या होता है, हमेशा कैसा प्रोडक्ट बनता है, सेजेक प्रोडक्ट बनता है, ऐसी डबल बॉन्ड जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड हो। तो आप देखो अगर मैं इधर से निकालती हूँ, मतलब अगर मैं इधर से H निकालती हूँ तो ये प्रोडक्ट बनेगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसमें इधर ये कार्बन है, इस कार्बन में H है और ये H, और इधर तो H ही है, H को हम कोई सब्सटीट्यूशन नहीं मानते, H कोई ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए एल्काइल या इस तरह का, तो एक ही सब मोनो सब्सटीट्यूटेड यू ही, क्योंकि इस एल्कीन में सिर्फ इस कार्बन पे ये ग्रुप लगा हुआ। लेकिन अगर आप इधर की तरफ वाला निकालते हैं, इसे तो मैं A कह देती हूँ, अपन ने A से H निकाला, अगर आप ये B, अगर आप B वाला H निकालते हैं तो देखो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH3, तो आप देखो डाई सब्सटीट्यूटेड होगा, क्योंकि अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर भी
और इधर भी देखो HCH3 तो लगे हैं, तो ये डाय सब्स्टिट्यूटेड है, वो ज्यादा स्टेबल बनती है, इसे सेज्जर प्रोटेक्टेड है। तो ये इवन एलिमिनेशन आपको बताऊंगी चाहिए, इवन एलिमिनेशन से भी एल्कीन बनता है। ओके, जिसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, वैसे E1 में भी पहले कार्बोकैटायन बनता है। इसका मतलब आपके क्या निकला, डिस्कनेक्शन में आपको क्या काम आएगा कि कहीं पे अगर आपको मान लो कहीं पे आपको एल्कीन दे रखा है, तो उस एल्कीन से आप पीछे कहां पे जा सकते हो, आप एल्काइल हैलाइड पे भी जा सकते हो, क्योंकि एल्काइल हैलाइड से भी तो कर सकते हो। देखो बीआर लगा दो तो करते कैसे, अपन बीआर निकल जाता है प्लस आ जाता है और बीटा वाला हाइड्रोजन किधर आ जाता है, तो आपको बैक जाना आना चाहिए कि हम एल्कीन किससे बनाते थे, एल्काइल हैलाइड से भी बनाते थे। ठीक है, तो अभी तक मैंने डिहाइड्रेशन बताया, एल्काइल हैलाइड बताया, इसी में एल्काइल हैलाइड में मैं E2 मैकेनिज्म भी आपको बताती हूँ। और रिएक्शंस, ये जो एल्कीन सिंथेसिस है, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप अपनी प्रीवियस की जो बुक है उसमें से एलिमिनेशन वाला चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ें। फिर देखो सबसे पहली बात तो E2 एलिमिनेशन में हमें एक स्टीरियो की जरूरत पड़ती है कि जो कंफर्मेशन जो होगा मॉलिक्यूल का वो एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए, मतलब जो H और जो Br निकलेंगे एलिमिनेशन में निकलते हैं तो निकलेंगे वो एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर एंटी, इसे देखो इसे सिन पेरिप्लेनर बोलते हैं और इसे बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर, तो निकलने वाले ग्रुप्स एक दूसरे के एंटी होनी चाहिए उनकी, उनका अरेंजमेंट। ठीक है, फिर होता क्या है इसमें, हमेशा कौन सा मैकेनिज्म होता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। कंसर्टेड वर्ड बहुत बार आ गया, आपको पता है एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग एक ही स्टेप में होती है। तो आप क्या करोगे, बेस को इस पे अटैक होगा, बॉन्ड यहां से टूटेगी और ये बीआर निकल जाएगी, बेस प्रोटोन ले जाएगा, एच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां डबल बॉन्ड बना लेगा, बीआर निकल जाएगा और इस तरह से ये बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, काई हैलाइड बना सकते हो आप उस डबल बॉन्ड। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बता रही हूँ जो कि डबल बॉन्ड बनाने के काम आती है, वो है विटिग रिएक्शन, जो आपने प्रीवियस में पढ़ी हुई होगी, विटिग रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले एक तो होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये देखो ये ट्राइफिनाइल हो गया और ये फॉस्फीन। ठीक है, नाइट्रोजन की तरह यहाँ पे भी एक लोन पेयर है, जैसे NCH3 नहीं होता वैसे ही तो है, ये तो फॉस्फोरस हो गया और ये तीन फिनाइल ग्रुप हो गया, तो ये होती है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएगी, एल्कीन बनाने के लिए ये रिएक्शन काम आती है। तो आप ट्राइफिनाइल फॉस्फीन की सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ कराते हो, मिथाइल आयोडाइड के साथ या किसी एल्काइल हैलाइड के साथ, जरूरी नहीं है मिथाइल के साथ ही कराओ, अगर आपको इथाइल चाहिए तो आप इथाइल के साथ, लेकिन एल्काइल हैलाइड्स के साथ आप रिएक्शन कराओ। ठीक है, जैसे अभी मैं मिथाइल आयोडाइड के साथ करवा रहा हूँ। सबसे पहली स्टेप में ये लोन पेयर यहाँ अटैक करते हैं और ये आई जो है ये निकल जाता है। तो देखो सबसे पहली स्टेप में PH3 यहाँ पे CH3 और P के ऊपर आ जाता है प्लस, क्योंकि P अपने लोन पेयर दे रहा है। अगली स्टेप में क्या होता है, बेस दिया जाता है और बेस यहाँ से प्रोटोन निकाल लेता है, क्योंकि ये ऐसे नहीं हाइड्रोजन है, क्योंकि पी के ऊपर प्लस है तो वो भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये बन जाता है। इसे बोलते हैं फॉस्फोनियम इलिड, जो कि आपने प्रीवियस में पढ़ा है फॉस्फोनियम इलिड। ठीक है, जब विट्रो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके जस्ट पास वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तब
उसे बोलते हैं फॉस्फोनियम इलेट्स बोलते हैं। जब हिट्रो एटम के ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो और पास वाले कार्बन पे नेगेटिव। नाइट्रोजन का भी इलेट होता है, फॉस्फोरस का भी होता है, सल्फर का भी होता है, यहाँ पे बनता है ये फॉस्फोनियम इलेट। ये फॉस्फोनियम इलेट फिर काम आएगा डबल बॉन्ड बनाने के। तो देखो अब अपन इस फॉस्फोनियम इलेट को यूज करेंगे। ये फॉस्फोनियम इलेट बन गया। विटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि आपको किसी भी एक कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसमें आप डबल बॉन्ड ला सकते हो। ये जैसे मैंने एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, इसके साथ ही मैंने ले लिया फॉस्फोनियम इलेट C+CH2-। ये फॉस्फोनियम इलेट आप कह सकते हो ये न्यूक्लियोफाइल की तो तरह बिहेव कर रहा है, ये यहां से अटैक करेगा इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो क्या होगा, यहाँ पे CO नेगेटिव R H, और क्योंकि कार्बन जो है उससे कौन जुड़ गया, ये CH2 जुड़ गया, तो यहाँ ये CH2 P+ PH3, ठीक है। ओके अब क्या होगा, अब ये जो अपोजिट चार्ज है ये भी आपस में रिएक्शन करेंगे और इस तरीके से ये R H और ये ऑक्सीजन यहाँ पे CH2 और इनके बीच में भी बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, अब देखना नया बॉन्ड बनेगा। ये जो कार्बन के साथ वाला ऑक्सीजन है वो तो फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना लेता है, और फॉस्फोरस के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ था वो इधर बॉन्डिंग कर लेता है, और देखो ऑक्सीजन हट जाएगा और वो जो कार्बन है वो बॉन्डिंग कर लेगा इस तरह से। ये तो पहले से ही लगा हुआ था, अब देखो आप नीचे की तरफ ऐसे नहीं बन गया क्या ये, और निकल क्या गया ये निकल। तो ये जो डबल बॉन्ड है हुआ क्या, ये जो डबल बॉन्ड है ये तो हट गया और ये कार्बन इस CH2 के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से कितनी भी बड़ी चेन में कहीं पे भी आपको, जैसे मान लो इथाइल होता तो आप इथाइल ले लेते है ना, और इथाइल यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता। अगर प्रोपाइल होता, प्रोपाइल में कहीं पे भी इंसर्ट, जहां पे भी आपको इंसर्ट कराना है वहां पे एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, सेकंड बीच वाले पे एल्काइल होगा हैलाइड होगा। जैसे अगर मान लो आप प्रोपाइल में इंसर्ट कराना चाहते हो तो अगर यहाँ होगा तो ये वाला कार्बन इंसर्ट होगा, यहाँ अगर ब्रोमाइड लेते हो तो ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा। तो अपन सेलेक्टिवली डबल बॉन्ड बना सकते हैं विटिंग रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंटरमीडिएट्स बनते हैं, एक होता है ब्यूटेन और एक होता है ऑक्सो फॉस्फेटेन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आप एमएससी प्रीवियस की बुक में भी ये रिएक्शन है, इसको इसके बारे में और पढ़ो बुक से, ताकि आपको पता चले कि इस रिएक्शन में होता क्या है, कार्बोनिल में कैसे आप डबल बॉन्ड बना सकते हो। ओके अब देखो इसी रिएक्शन की कुछ बातें और बताती हूँ मैं आपको। इसी रिएक्शन में जो ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड की अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो ये डबल बॉन्ड जेड एल्कीन भी हो सकता है, जेड एल्कीन भी हो सकता है और ई एल्कीन भी हो सकता है। ई एल्कीन का मतलब ट्रांस भी हो सकता है और जेड का मतलब सिस हो सकता है, ठीक है। अब देखो ज्यादातर होता क्या है कि जो स्टेबलाइज्ड इलिड होते हैं, स्टेबलाइज्ड इलिड मतलब स्टेबल इलिड जो होते हैं, ओके स्टेबल इलिड जो होते हैं वो मोस्टली क्या बनाते हैं, ई एल्कीन बनाते हैं, और जो अनस्टेबल इलिड होते हैं, अनस्टेबलाइज्ड इलिड होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो जेड एल्कीन बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसकी स्टीरियो के लिए कि स्टेबल इलिड जो है, इलिड किसकी बात कर रही हूँ, इलिड वो जो अपन ने बनाया था ना वहां पे, जैसे मैंने लिखा था PPH3+CH2-, ये है इलिड फॉस्फोनियम इलिड, स्टेबल
लगा हुआ हो या कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो जैसे एल्डिहाइड या एस्टर जो इससे खेच रहे हो, वो होता है स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर के केस में ये अगर किसी के साथ रिएक्शन करता है तो डबल बॉन्ड फिर कैसी बनेगी, इस तरह आप लास्ट में स्ट्रक्चर में उसकी डबल बॉन्ड इस तरीके से दिखाओगे, ई एल के बनेगा। और अनस्टेबलाइजर का मतलब ये है, अनस्टेबलाइजेशन का मतलब ये है कि जब ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो जैसे आर लगे हुए जो कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा बढ़ा रहे, तो वो अनस्टेबलाइजेशन है, उस केस में जेड एल्केन बनेगा। ये इसकी स्टीरियो हो गई, इसकी विटिक रिएक्शन। तो ये आपको पता होनी चाहिए इसकी स्टीरियो, स्टेबलाइज्ड ई एल्केन बनाते हैं और अनस्टेबलाइज्ड जेड एल्केन बनाते हैं।